दोस्तों कराई कुड़ी कलाई आईटीटी रूबी चित्री वर्सेस बीटीवाई के बीच महामुकाबला आज शाम 7:15 बजे अर्थात 7:15 को दोस्तों खेला जाने वाला है। दोस्तों ये महामुकाबला आपको लाखों रुपए जिता सकता है, बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है। दोस्तों तमिलनाडु सीरीज का 17वां मुकाबला होने वाला है, बहुत ही मजेदार मुकाबला है। 32 मैचों में ये 17 अर्थात तमिलनाडु सीरीज दोस्तों लगभग आधी दूरी पर पहुंच चुकी है। दोस्तों ये मैच सलेम क्रिकेट फाउंडेशन ग्राउंड पर होने वाला है। दोस्तों लाजवाब मुकाबला है, कड़ाई कुड़ी कलाई आईटीटी वर्सेस बीटीवाई के बीच ये मुकाबला होने वाला है। दोस्तों तो लाजवाब मुकाबला है दोस्तों, तो आप लोगों को मौका है लाखों रुपए जीतने का। जो दोस्तों आपने आईपीएल में अपने पैसे गमाए हैं लास्ट पर है दोस्तों, वहां पर कंपटीशन ज्यादा है, यहाँ कंपटीशन दोस्तों कम है, लाखों रुपए आप जीत सकते हैं। दोस्तों तो आज हम आपको गारंटी देते हैं 2 लाख रुपए आपको जितवाने की फुल गारंटी है। दोस्तों वो भी कैसे आप लोगों को पूरी तरह से बताएंगे। दोस्तों आप वीडियो को स्किप मत करना, दोस्तों मजा आने वाली है, लाजवाब मैच होने वाला है। दोस्तों ये शाम 7:15 बजे होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या बताएंगे, सबसे पहले पिच रिपोर्ट बताने के बाद दोस्तों दोनों टीम की हम प्लेइंग 11 बताएंगे। प्लेइंग 11 बताने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी के पिछले 3 मैचों का रिकॉर्ड भी आज हम बताने वाले हैं। रिकॉर्ड बताने के बाद ड्रीम टीम बनाएंगे और ड्रीम टीम बनाने के बाद दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आजकल हमारी टीम के दोस्तों खिलाड़ी ड्रीम टीम पे आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको विश्वास ना हो तो दोस्तों टेलीग्राम पे हमारे देख सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये दोस्तों आपको विश्वास के लिए हम बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। अगर विश्वास आपके पास नहीं है तब इसके लिए बता रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम सलेम क्रिकेट फाउंडेशन ग्राउंड के पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों तेज गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर में स्विंग मिलने वाला है, जिससे दोस्तों बैटिंग करना बहुत ही आसान नहीं होगा। अर्थात दोस्तों शुरुआती दोस्तों बैट्समैन को बहुत ही संभल कर दोस्तों बैटिंग करनी होगी, अन्यथा वो दोस्तों अपनी विकेट गंवा देंगे दोस्तों, और दोस्तों जो स्कोर है बहुत कम पर सिमट जाएगा दोस्तों। तो लाजवाब यह मैच है, आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाली है दोस्तों, लाजवाब मैच होने वाला है। तो दोस्तों उसके बाद हम बताने वाले हैं दोस्तों इस क्रिकेट ग्राउंड पर, दोस्तों इस क्रिकेट ग्राउंड पर बहुत उच्चतम स्कोर नहीं है। जो पहली पारी का औसत स्कोर है दोस्तों 131 रन, वही सेकेंड पारी का दोस्तों 141 रन है। दोस्तों ये क्रिकेट ग्राउंड दोस्तों 2020 में दोस्तों राहुल द्रविड़ के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। यहाँ पर अभी ज्यादा मैच नहीं हुए हैं दोस्तों, परंतु दोस्तों बहुत ही अच्छी पिच है। इस ग्राउंड पर दोस्तों 5 पिचें बनाई गई हैं, बहुत ही अच्छी पिचें बनाई गई है दोस्तों, क्योंकि दोनों टीम का एक संतुलन दोस्तों मिला उला ग्राउंड है दोस्तों, बल्लेबाजी और बॉलिंग के दोनों अनुकूल है दोस्तों ग्राउंड, तो इसलिए बहुत ही अच्छी पिचे जानी जाती है दोस्तों। ग्रास बहुत अच्छी है, हरी हरी ग्रास से बिल्कुल नहाया हुआ है एक क्रिकेट ग्राउंड है दोस्तों। आओ चलते हैं प्रत्येक टीम के, सबसे पहले जानते हैं प्लेइंग 11 के विषय में। तो कराई कुड़ी कलाई के विषय में जाते हैं, बी अनुरित सीताराम है, के विशाल वैद है, राधा कृष्णन है, एस मोहम्मद अली है, आर विवेक है, एस गणेश है, विजय शंकर है, गणेशन पेरिया स्वामी है, एस अजीत राम है, एच त्रिलोक नाग है, एस मणिगंधन है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं रूबी चित्री वॉरियर्स बीटीवाई की तरफ से, श्री गंगा श्रीधर राजू है, जाफर जमाल है, अच श्री निवासन है, डेरिल फेरारियो है, के हमारी भारती है, एम शाहजहां है, एंटोनी धास है, आर राजकुमार है, आर एलेक्जेंडर है, आर सिलम रासन है, और थंगरासो नटराजन है। इस प्रकार से दोनों टीम की प्लेइंग 11 के विषय में बारीकी से चर्चा किया। अब दोस्तों एक एक टीम के प्रत्येक खिलाड़ी के पिछले 3 मैचों का रिकॉर्ड भी आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज दोस्तों आप लोगों का जो सपना है, सपना इस सपने को हकीकत में बदलवाता है ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट। तो दोस्तों ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट में वास्तव में आपने जो प्यार दिया है वो काबिले तारीफ है दोस्तों। तो आप लोग ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट को जो नए है दोस्तों वो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लगातार सिखाया और पढ़ाया जाता है दोस्तों, लगातार हर सीरीज के विषय में जानकारी देता है ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े दोस्तों चैनल आए दोस्तों, वो केवल आईपीएल में पैसा छाप कर चले गए दोस्तों, आज महीनों से वीडियो नहीं डाल रहे हैं दोस्तों। ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट ऐसा चैनल दोस्तों जहां लगातार दोस्तों आपको वीडियो मिलेंगे, सालों साल 365 दिन वीडियो मिलने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग वीडियो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको दोस्तों हकीकत समझ में आए दोस्तों, क्या होने वाला है, कब मैच होने वाला है, कौन सी सीरीज कब चालू होने वाली, सब कुछ बताने वाले हैं। तो दोस्तों आओ चलते हैं कराई कुड़ी कलाई के एक खिलाड़ी के विषय में जानते हैं। वी अनुरुद्ध सीताराम है, जो पिछले मैच में दोस्तों 1 रन, 8 रन और 15 रन की पारी खेले, बहुत अच्छा स्कोर इनका नहीं कहा जा सकता दोस्तों,
औसत स्कोर है जिस नाम से जाने जाते हैं उसके विपरीत जो तो कारनामा कर रहे हैं दोस्तों के अनुज सीताराम के विशाल भाई। एक ही मैच में दोस्तों केवल 49 रन की पारी के लिए दो मैचों में ज्यादा रन नहीं बना पाए दोस्तों। जिस नाम से जाने जाते हैं 49 रन की पारी में इन्होंने 3 छक्के जड़े थे, लाजवाब छक्के जड़े थे, लंबे दूरी के छक्के जड़े थे दोस्तों। इनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है परंतु वो कारनामा नहीं कर रहे हैं, लंबी पारी में अपनी दोस्तों पारी को तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। राधा कृष्णन है दोस्तों, ये 36 रन और 34 रन की लाजवाब पारी खेली थी, बीच में 3 रन पर आउट हुए। ये औसत एवरेज कहा जा सकता है राधा कृष्णन का, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, मजे हुए खिलाड़ी है दोस्तों। कराई कुड़ी कलाई के रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं दोस्तों। लाजवाब पिच पर टिके रहे तो दोस्तों रन बनाना बहुत मुश्किल नहीं बना होता है दोस्तों। प्रत्येक बल्लेबाज की धज्जियां बिगाड़ देने में माहिर दोस्तों राधा कृष्णन। अब चलते हैं दोस्तों एस मोहम्मद अली की तरफ से। एस मोहम्मद अली दोस्तों 5 रन, 18 रन और 14 रन की वो जबरदस्त पारी खेली है एस मोहम्मद अली का, जिसे हमेशा के लिए याद किया जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आर विवेक की तरफ से। आर विवेक दोस्तों लाजवाब बल्लेबाज है दोस्तों, लाजवाब बल्लेबाज है कराई कुड़ी कलई आईटीटी की तरफ से, जो प्रत्येक मैच में बहुत ही अच्छे कारनामा करने के लिए जाने जाते हैं आर विवेक दोस्तों। आर विवेक बहुत ही अच्छे मजे हुए बल्लेबाज है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एस गणेश है दोस्तों। एस गणेश जो तो 2 रन और 23 रन बनाए हैं और एक मैच में इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला दोस्तों। अब चलते हैं तो एस गणेश के बाद हम चलते हैं विजय शंकर की तरफ। विजय शंकर ने दोस्तों पिछले मैच में वो शानदार पारी के लिए आईपीएल में भी इन्होंने बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। 28 रन, 27 रन और एक मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। और गणेशन पेरिया स्वामी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा, पिछले 3 मैचों में 5 विकेट झटके हैं दोस्तों, लाजवाब 5 विकेट झटके हैं। वहीं एस अजीत राम की बात करें तो 2 विकेट के साथ दोस्तों इन्होंने पिछले 3 मैचों में 12 रन भी बनाए हैं। वहीं एच त्रिलोक नाथ ने दोस्तों पिछले मैच में जो कारनामा किया है, एक ही पारी में 5 विकेट झटककर दोस्तों दुनिया को हिला दिया है दोस्तों एच त्रिलोक नाथ ने। एस मणिनंदन ने पिछले 3 मैचों में दोस्तों 2 विकेट झटके हैं, 2 विकेट झटके हैं दोस्तों एस मणिनंदन ने दोस्तों। ये रहा कड़ाई कुली कलई का रिकॉर्ड दोस्तों। अब हम चलते हैं रूबी छेत्री वॉरियर्स की तरफ से, तो बहुत ही अच्छे प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं रूबी छेत्री वॉरियर्स बेटी भाई दोस्तों, लाजवाब प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती है दोस्तों। आज दोस्तों हम चलते हैं रूबी छेत्री वॉरियर्स के जो महान बल्लेबाज है गंगा श्रीधर राजू के विषय में बात करते हैं। तो पिछले 3 मैचों में कारनामा किया 48 और 58 रन की वो शानदार पारी खेली है, जिसे हमेशा याद किया जाएगा दोस्तों। 48 रन 58 रन में दोस्तों उन्होंने 7 छक्के जड़ दिए हैं दोस्तों, दोनों पारियों को मिलाकर दोस्तों 58 रनों ने 3 चौके 3 छक्के, वहीं 48 रन पर उन्होंने 4 छक्के लगाए हैं दोस्तों। लाजवाब बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं गंगा श्रीधर राजू, नाम के मुताबिक काम करते हैं दोस्तों। जाफर जमाल का दोस्तों इतने समय परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है दोस्तों, मात्र 15 रन बनाए हैं 3 मैचों, प्रत्येक मैच का औसत स्कोर 5 रन का है दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही खराब स्कोर कहा जा सकता है। इसके बाद चलते हैं अक्षय श्रीनिवासन की तरफ। इन्होंने पिछले 3 मैचों में दोस्तों 16 रन बनाए, मात्र 16 रन बनाए दोस्तों। डेरिन फिरारियो के विषय में बात करते हैं, जो डेरिन फिरारियो है दोस्तों ऑलराउंडर खिलाड़ी है रूबी छेत्री वॉरियर की तरफ से। इन्होंने 5 रन 29 रन बनाने के साथ 2 विकेट भी झटके हैं दोस्तों। वही के मारी भारती के विषय में बात करते हैं, इन्होंने 2 रन 40 रन बनाने के बाद एक मैच में 0 पर आउट हो गए। एम शाहजहां दोस्तों 13 रन और 19 रन बनाने के साथ साथ 1 रन बनाए दोस्तों, लाजवाब बल्लेबाज नाम से जाने जाते हैं। टोनी धार दोस्तों पिछले मैच में जब 0 रन पर पवेलियन आउट हो जाए दोस्तों, इन्होंने 12 रन और 9 रन की वो शानदार पारी खेली, जिसे हमेशा याद किया जा रहा है। 21 रन बनाए पिछले 3 मैचों में, प्रत्येक मैच में 7 रन का औसत स्कोर है इनका। आर राजकुमार के विषय में बात करें तो ये बहुत ही अच्छा हालिया प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत गजब प्रदर्शन कर रहे हैं हर मैच में दोस्तों। ये रन जरूर बना रहे हैं, ये देखा जाता है प्रत्येक मैच में रन बना रहे हैं। 39 रन, 15 रन, 31 रन के वो शानदार पारी खेली है दोस्तों, जिसे हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा याद किया जाएगा दोस्तों। आर एलेक्जेंडर के विषय में बात करते हैं, आर एलेक्जेंडर बहुत ही मजे हुए दोस्तों, बहुत ही मजे हुए बॉलर है दोस्तों। ये प्रत्येक मैच में बहुत अच्छा कारनामा करने के लिए जाने जाते हैं, प्रत्येक पिछले 3 मैचों में 3 विकेट झटके हैं। वहीं आर सिलंबरासन के विषय में बात करते हैं, आर सिलंबरासन पिछले 3 मैचों में 4 विकेट झटके हैं, 4 विकेट जो झटके हैं दोस्तों। अब चलते हैं थंगराजु नटराजन, जो पिछले मैच में 2 विकेट झटके हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमने दोस्तों दोनों टीम के पिछले
तीन मैच का रिकॉर्ड, प्रत्येक खिलाड़ी का रिकॉर्ड बताया दोस्तों। अब हम बनाते हैं दोस्तों एक बेस्ट टीम, टीम दोस्तों बेस्ट टीम टीम बनाने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, अभी मजा आने वाले हैं दोस्तों, अभी वीडियो में। अब आगे मजा है जहां आप लाखों रुपए जीत सकते हैं दोस्तों, लाखों रुपए का जो सपना है वो साकार हो सकता है। और सबसे पहले लेते हैं हम दोस्तों के विशाल वैद्य को लेते हैं अपनी ड्रीम टीम में। के विशाल वैद्य को लेते हैं अपने ड्रीम टीम में, के विशाल वैद्य। उसके बाद दोस्तों लेते हैं राधा कृष्णन को, राधा कृष्णन को लेते हैं, राधा कृष्णन को लेते हैं। राधा कृष्णन के बाद दोस्तों, राधा कृष्णन के बाद हम चलते हैं किसको लेंगे, लेंगे आर विवेक को, आर विवेक को लेंगे दोस्तों, आर विवेक को लेंगे, आर विवेक को लेने वाले हैं, आर विवेक को लेने वाले हैं। आर विवेक के बाद दोस्तों चलते हैं हम किसको लेंगे, गंगा श्रीधर राजू को लेंगे, गंगा श्रीधर राजू को लेंगे, गंगा श्रीधर राजू को लेने वाले, गंगा श्रीधर राजू। के बाद दोस्तों हम लेंगे डेरिल फेरारियो को, डेरिल फेरारियो को दोस्तों लेंगे, डेरिल फेरारियो को लेंगे, डेरिल फेरारियो को लेने वाले, डेरिल फेरारियो को लेने वाले हैं दोस्तों। डेरिल फेरारियो के बाद हम चलते हैं लेते हैं एम शाहजहां को, एम शाहजहां को लेते हैं, एम शाहजहां को लेते हैं, एम शाहजहां के बाद दोस्तों हम लेते हैं आर राजकुमार को, आर राजकुमार को लेते हैं, आर राजकुमार को। बहुत ही अच्छी दोस्तों बैटिंग करते हैं आर राजकुमार दोस्तों, प्रत्येक मैच में अच्छा कारनामा करने के लिए जाने जाते हैं। फिर लेते हैं दोस्तों एस त्रिलोक नाग को, बॉलिंग की भूमिका निभाते हैं एस त्रिलोक, एस त्रिलोक नाग को लेते हैं, एस त्रिलोक नाग के बाद दोस्तों हम चलते हैं लेते हैं दोस्तों गणेशन प्रिया स्वामी को लेते हैं, गणेशन, गणेशन पेरिया स्वामी को लेते हैं, गणेशन पेरिया स्वामी को लेते हैं दोस्तों, गणेशन पेरिया स्वामी को लेते हैं। इसके बाद लेते हैं दोस्तों आर सिलम्ब्रासन को, आर सिलम्ब्रासन को लेते हैं, आर सिलम्ब्रासन को लेते हैं, आर सिलम्ब्रासन को लेते हैं। लाजवाब दोस्तों बॉलर है आर सिलम्ब्रासन। के बाद लेते हैं टी नटराजन को दोस्तों, लेते हैं किसको, टी नटराजन को, जिसे थंगरासु नटराजन के नाम से जाना जाता है, टी नटराजन को लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमारी ये ड्रीम टीम बनकर तैयार हो गई। हमारी ड्रीम टीम में देखिएगा के विशाल वह, राधा कृष्णन, आर विवेक, गंगा श्रीधर राजो, डेरिन प्रेयारियो, एम शाहजहां, आर राजकुमार, एस त्रिलोकनाथ, गणेशन पेरिया स्वामी, आर सिलम्ब्रासन, टी नटराजन है दोस्तों। तो दोस्तों सभी लोग बना लेते हैं एक ड्रीम टीम दोस्तों, ड्रीम टीम सभी लोग बना लेते हैं दोस्तों। दोस्तों पिछले खिलाड़ी के पिछले रिकॉर्ड को देख करके, पिच रिपोर्ट देख करके दोस्तों, और टास्क को देख करके सभी लोग एक बेस्ट यूनिक टीम बना लेते हैं, बेस्ट यूनिक ड्रीम टीम बना लेते हैं। पर दोस्तों पसीना पसीना तब हो जाता है जब बात आती है कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने की दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना बहुत ही टेढ़ी खीर होती है दोस्तों, क्योंकि ड्रीम इलेवन में कैप्टन की महान भूमिका होती है। कैप्टन का एक अंक दोस्तों डबल हो जाता है, वही वाइस कैप्टन का एक अंक दोस्तों डेढ़ गुना हो जाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों लाजवाब दोस्तों, जिसकी गिरफ्त में दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन आ गए दोस्तों, जिसके गिरफ्त में कैप्टन वाइस कैप्टन आ गए दोस्तों, वो दोस्तों लाखों रुपए जीत सकता है, लाखों रुपए जीत सकता है दोस्तों। तो आप लोग भी लाखों रुपए जीत सकते हैं दोस्तों। तो देखिएगा आओ हम बनाते हैं एक बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो दोस्तों की गंगाधर राजू, गंगाधर राजू या राधा कृष्णन को बनाते हैं हम कैप्टन, श्री गंगाधर राजू और या राधा कृष्णन को बनाते हैं हम कैप्टन। और दोस्तों और यहाँ आर राजकुमार, आर राजकुमार या दोस्तों आर राजकुमार या आर विवेक को दोस्तों बनाते हैं हम वाइस कैप्टन दोस्तों। इस प्रकार से हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों सेलेक्ट हो जाते हैं दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं। ये एक दोस्तों एनालिसिस टीम होती है, लगातार तीन घंटे की मेहनत के बाद हमें आपको एक एनालिसिस टीम देते हैं दोस्तों। हमारी फाइनल टीम दोस्तों ड्रीम दोस्तों कहाँ आने वाले वाली मिलने वाली टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो टास होने के 10 मिनट बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम दोस्तों हम आपको देने वाले हैं। कहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे,
तो हमारी फाइनल टीम आपको लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मजा आने वाले है दोस्तों। वहां पर दो टीम होती है, एक सेफ टीम और एक रिस्की टीम। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते किसी अन इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।